नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषिन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। आप सभी ने मेरे चंद्र ग्रहण के कुछ वीडियोस ऑलरेडी देख लिए होंगे, जहां पर मैंने कई सारी चीजें चंद्र ग्रहण के ऊपर बता दी हैं। और आज हम चंद्र ग्रहण के ऊपर और डीप कैलकुलेशन के बारे में यहां पर बात करने वाले हैं, जहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट भविष्यवाणियां यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। तो पांच महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां चंद्र ग्रहण पर क्या क्या आने वाली है, और साथ ही साथ पूर्ण चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव यहां पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले तो आज से ठीक चार दिन बाद 8 नवंबर 2022 को यहां पर पूर्ण चंद्र ग्रहण, जिसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं ब्लड मून, यहां पर देखने को मिलेगा। हालांकि भारत में ये आंशिक तौर पर ही देखने को मिलेगा, बट कुछ जगह है जहां पर ये पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। कौन कौन सी है वो जगह, वो आप नोट कर लीजिएगा। न्यूजीलैंड में पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा, जापान में पूर्ण चंद्र ग्रहण यहां पर देखने को मिलेगा, कोरिया और अलास्का में, और साथ ही साथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ द यूएसए, यहां पर काफी ज्यादा इसके प्रभावी रिजल्ट देखने को मिलेंगे और पूर्ण चंद्र ग्रहण यहां पर देखने को मिलेगा। इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव में और भी कई कंट्रीज यहां पर इन्वॉल्व हो रही है, जैसे एशिया का कुछ भाग यहां पर इन्वॉल्व हो रहा है, और यूएसए के बाद यूरोप का भाग यहां पर इन्वॉल्व हो रहा है। यूरोप में स्पेशली यहां पर देखूं तो नॉर्थ ईस्ट ऑफ द यूरोप यहां पर काफी ज्यादा इंपैक्टफुल देखने को मिलेगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी यहां पर इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे, और अमेरिका में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में थोड़े से इसके ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेंगे। वेस्ट सेंटर रहेगा, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट की तरफ ये टिल्ड होता हुआ नजर आएगा, इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। तो इसीलिए ये चंद्र ग्रहण इस बार काफी ज्यादा प्रभावी होने वाला है। एक रीजन और भी है इसका प्रभावी होने का, कि इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है ये काफी ज्यादा लेंथी है। इस बार 5 घंटे और ऑलमोस्ट 18 से 20 मिनट का समय रहेगा जहां पर ये चंद्र ग्रहण एग्जिस्ट करेगा इस यूनिवर्स पर। तो 5 घंटे एक बहुत बड़ा समय है यहां पर, और 5 घंटे में हर कंट्री में कहीं ना कहीं चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसी वजह से इस टाइम ड्यूरेशन में इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव और भी ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं। और इस बार ये चंद्र ग्रहण जो है ये दो चीजों पर या दो तरह से काफी ज्यादा इंपैक्टफुल रहेगा। पहला आपका पॉलिटिक्स और दूसरा आपका नेचुरल डिजास्टर, मतलब कि जलवायु परिवर्तन या फिर नेचर, मौसम को लेकर के कोई भी परेशानी, और राजनीतिक उठापटक के ऊपर इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। खासकर कहां कहां पर इसके मेन इंपैक्ट देखने को मिलेंगे, तो देखिए ऐसा कहा जाता है कि जहां पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव पूर्ण रूप से पड़ रहा है वहां पर तो इसके बड़े प्रभाव देखने को मिलेंगे, और जहां इसके आंशिक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं वहां पर इसका असर थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। इसी वजह से यहां पर देखा जाए तो पूर्ण प्रभाव, या हम जैसे अभी ब्लड मून की बात करी, तो ये ब्लड मून आपको कहां देखने को मिल रहा है, देखिए ये चंद्र ग्रहण जो है यहां पर मैं कहूंगा कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ ट्रैवल कर रहा है, और उसमें नॉर्थ काफी ज्यादा यहां पर फ्लक्चुएट होता हुआ नजर आ रहा है। सो जब यहां पर वेस्ट से हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं और उसके बाद टूवर्ड्स टू ईस्ट जा रहे हैं, तो अमेरिका सबसे ज्यादा यहां पर इंपैक्टफुल देखता हुआ नजर आ रहा है। मतलब कि सबसे ज्यादा प्रभाव अगर कहीं पड़ेगा तो वो इसका अमेरिका के ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा, और अमेरिका में भी स्पेशली अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमी को लेकर के काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। इसी वजह से अमेरिका में आने वाले 6 से 7 महीने इकोनॉमिकल डिजास्टर यहां पर देखने को मिलेगा, एक हैवी रिसेशन, एक भारी रिसेशन या पूर्णतया मंदी का प्रभाव यहां पर देखने को मिलेगा। और क्योंकि जो ग्रहों का गोचर भी चल रहा है और जो ग्रहण के दिन ग्रहों का गोचर भी है, ये भी उतना इफेक्टिव है कि इस तरह की योग बना रहा है जहां पर हम मंदी के प्रभाव में ग्रसित होते जा रहे हैं थोड़े से। तो इस वजह से ये जो समय रहेगा अमेरिका के लिए एक टफ टाइम यहां पर शुरू होने वाला है, जिसकी कैलकुलेशन की ड्यूरेशन जो रहेगी कम से कम यहां पर देखा जाए तो 6 से 7 महीने का कैलकुलेशन आता है कि जहां पर अमेरिका को सफरिंग देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इसके बाद कहां कहां पर नेचुरल डिजास्टर प्लस आपका इकोनॉमिकल फ्लक्चुएशन दोनों ही देखने को मिलेंगे, तो जापान उसमें एक बहुत बड़ा नाम आता है कि जापान में कुछ बड़ा होने वाला है, जापान में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जापान में आप देखिएगा कि नेचर को लेकर के कुछ बड़ी घटनाएं यहां पर घट सकती हैं, इस तरह की योग दिखाई देते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिलेंगी, और साथ ही साथ अगर हम देखें कि ये जो डायरेक्शन रहेगा, जो समय रहेगा, इसमें न्यूजीलैंड में कुछ बड़ा हादसा होते हुए जरूर दिखाई देगा, जिसमें एक नंबर ऑफ पीपल जो होंगे नुकसान वाले वो काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे, इस तरह के योग यहां पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इन्हीं कंट्रीज में आर्थिक तनाव भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, और आने वाला समय जो है वो इन कंट्रीज के लिए काफी ज्यादा परेशान करने वाला रहेगा।
इस बार का ये जो ग्रहण है ये आपकी विंटर को क्रॉस कर रहा है, इसी वजह से सर्दी और गर्मी के प्रभाव बहुत ज्यादा प्रभावी देखने को मिलेंगे। 8 नवंबर के दिन जब ये ग्रहण पड़ रहा है, नंबर 8 का दिन जो है वो शनि का दिन है, नंबर 8 का जो नंबर है वो शनि का नंबर है, इस वजह से इस ग्रहण में शनि का जो इन्वॉल्वमेंट है ये भी नेचर में सर्द और गर्म की बीमारियां लेकर के आने वाला है। इसीलिए एक चीज आप यहां पर क्लियरली नोट कर लीजिएगा कि इस ग्रहण के बाद कुछ इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं जिसमें बुखार के सिम्टम्स काफी ज्यादा देखे जाएंगे, फीवर होने के चांसेस काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। ये बात आप नोट कर सकते हैं कि इस ग्रहण के बाद फीवर जैसी बीमारियां एक लंबे समय तक, स्पेशली नवंबर और दिसंबर के महीने में फीवर कॉन्स्टेंटली यहां पर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा और ऑलमोस्ट घर के सभी सदस्यों में फैलता हुआ भी नजर आता हुआ दिखाई देगा। हालांकि ये बहुत ज्यादा खराब नहीं होगा, बट फिर भी जो एक बीमारी का योग यहां पर बन रहा है ये बहुत क्लियरली यहां पर दिखाई दे रहा है कि इस तरह की कोई बीमारी या फिर हो सकता है कि कोई नया फ्लू यहां पर आप सभी को देखने को मिले जिसमें फीवर कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट में यहां पर देखने को मिले, तो उसके भी प्रभाव यहां पर मिलेंगे। क्या यहां पर युद्ध के चांसेस बनते हैं इस ग्रहण के बाद? देखिए, युद्ध के चांसेस तो नहीं बनते, बट तनाव का माहौल यहां पर जरूर बनता हुआ दिखाई देता है और इस ग्रहण के बाद तनाव और युद्ध में एक अस्थिरता का माहौल यहां पर क्रिएट हो जाएगा जिसकी वजह से देश और दुनिया में काफी ज्यादा नेगेटिविटी और काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। पानी और पानी को लेकर के समस्याएं, चक्रवात यहां पर देखने को जरूर मिलेगा, साथ ही साथ कुछ ज्वालामुखी विस्फोट भी यहां पर आपको बहुत जल्दी न्यूज में देखने को मिल सकता है कि फलाना जगह या एक्स वाई जेड जगह किसी तरह का कोई ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और कुछ हैवी यहां पर इसमें देखने को मिल सकता है, तो इस तरह के योग भी यहां पर निकल के आ रहे हैं। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो ये जो ग्रहण का प्रभाव रहेगा, इस ग्रहण के प्रभाव में डेफिनेटली भूकंप के झटके हमें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे और खासकर यहां पर देखा जाए 5 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर तक के बीच में कुछ बड़े भूकंप के झटके देखने को क्लियरली यहां पर मिलते हैं, इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। तो इसीलिए एक छोटा सा ग्रहण आपको काफी सारी चीजें दिखाता हुआ नजर आ रहा है। बच्चों, 5 महत्वपूर्ण बातें हैं वो कौन सी है वो नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला, डेफिनेटली भूकंप के झटके यहां पर प्रायोरिटी पर दिखाई देते हैं, काफी ज्यादा हैवी भूकंप यहां पर दिखाई देता है जिसकी वजह से नुकसान यहां पर हो सकता है। अच्छी बात यह कि इंडिया में वो भूकंप आने के चांसेस नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली डेफिनेटली दुनिया के कहीं ना कहीं आने के चांसेस ज्यादा बनते हैं और उसमें भी यहां पर देखा जाए तो वेस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन के इंडिकेशन यहां पर काफी ज्यादा दिखाई देते हैं। इसके बाद यहां पर देखा जाए तो अमेरिका डेफिनेटली सफर करता हुआ नजर आएगा। बहुत ज्यादा डीप कैलकुलेशन है अमेरिका के लिए कि ये ग्रहण अमेरिका के लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर के नहीं आ रहा है। तीसरी चीज यहां पर जो मैंने देखी है कि ये जो ग्रहण रहेगा इसकी वजह से मार्केट में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे और सोने चांदी के दामों में भी काफी ज्यादा बदलाव यहां पर देखने को मिल सकता है। अब वो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा वो आपको मेरे दूसरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहां पर देखा जाए चौथी जो चीज यहां पर दिखाई देती है कि दुर्घटनाएं बढ़ जाएंगी थोड़ी सी, हादसे होते हुए बढ़ जाएंगे थोड़े से और रिलीजियस प्लेस पर या टूरिस्ट प्लेस पर या फिर कोई ऐसी जगह जहां पर एक मास पीपल जो है गैदरिंग हो रही है वहां पर कोई बड़ा हादसा होते हुए जरूर दिखाई देगा। इस तरह के योग अभी भी बनते हुए दिखाई देते हैं, तो ग्रहण के प्रभाव यहां पर क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि इस तरह की चीजें सामने आ सकती है। और इसके अलावा पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं एक बड़ा उलटफेर यहां पर चलता हुआ दिखाई देगा। ये भारत की ही नहीं दूसरी कंट्रीज की भी बात कर रहा हूं जहां पर डेफिनेटली कोई सत्ता परिवर्तन होते हुए या फिर कोई विरोध प्रदर्शन होते हुए यहां पर जरूर दिखाई देगा जिसकी वजह से देश और दुनिया में कुछ अस्थिरता का माहौल यहां पर जरूर बनेगा। तो इसीलिए इस बार का ये ग्रहण काफी सारी चीजों को लेकर के आ रहा है, काफी सारी चीजें यहां पर इससे इन्फ्लुएंस होती हुई नजर आ रही है और हम सभी को बहुत ज्यादा संभल कर चलने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपना ध्यान रखेंगे, अपने परिवार का ध्यान रखेंगे और इस ग्रहण के माहौल में अपने आप को परेशान नहीं होने देंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।